अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। पावी जब नित को छोड़ता नहीं है तो नित उसे काट लेती है। सबसे मस्त वेपन है नित का। पावी के चिल्लाने की वजह से वहाँ रुंग और सारनाथ आ जाते हैं तो उनके सामने दोनों अच्छे से बिहेव करते हैं, पर उनके जाते ही वापस से लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे नित वर्क पर जाकर एडिटर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। एडिटर अपसेट होते हैं पर फिर भी नित को कंपनी में वर्क करने के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। देन नित नी के पास जाती है और वो सोर थिंग्स खाने लगती है। नी समझ जाती है कि नित प्रेग्नेंट है और पूछती है क्या पावी को इसके बारे में पता है। नित, नहीं और मैं उसे बताऊंगी भी नहीं। नी, पर एक दिन उसे पता चल ही जाएगा ना। नित, पर तब तक हमारा डाइवोर्स हो चुका होगा और तुम्हें पता है नी पेन भी प्रेग्नेंट है, इसलिए पावी मुझे डाइवोर्स देकर उससे शादी करना चाहता है। नी, आगे तुम क्या करोगी। नित, मैं एक घर खरीदूंगी जहाँ तुम, मैं और हमारे बेबीज अच्छे से रहेंगे। और नी, तुम मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताना। नी, ठीक है। कौन पावी के घर जाती है और कहती है यहाँ मैं कुछ बताने आई हूँ। रुंग, जो बताने आई हो सीधा सीधा कह दो, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन, मेरी बेटी पेन प्रेग्नेंट है, उसके बेबी का फादर पावी है। रुंग का ये जानकर दिमाग खराब हो जाता है। कौन वहाँ से चली जाती है। सारनाथ पावी को जल्दी से घर आने को कहता है। पावी घर पहुँचता है और देखता है मॉम वापस मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं। पावी, क्या हुआ मॉम, आप वापस क्यों जा रही हो। रुंग, क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मेरे मना करने के बाद भी तुम उस पेन के साथ इन्वॉल्व हुए और अब ये हो गया। रुंग किसी के भी समझाने पर नहीं मानती और वो वापस हॉस्पिटल चली जाती है। जब ये बात नित को पता चलती है तो वो तुरंत रुंग से मिलने हॉस्पिटल पहुँचती है। पावी मॉम के लिए परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नित रूम से मिलने हॉस्पिटल जाती है और फिर कंपनी नॉक नित को बताती है कि पावी से मिलने पेन आई है। तो नित गुस्से में पावी के केबिन में जाती है और पेन से कहती है क्या तुम्हें कोई काम नहीं है जो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के पास आ गई। पेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारा डाइवोर्स कराकर पावी से शादी करूंगी। नित, ये तो तुम भूल ही जाओ, मैं पावी को डाइवोर्स नहीं दूंगी और तुम थोड़ा अपने लिए वर्क ढूंढ लो, इस तरह फ्री रहकर दूसरों के हस्बैंड छीनना बंद करो। और फिर नित अपने केबिन में चली जाती है। इधर पावी रोंग से मिलने जाता है। रोंग उससे बहुत गुस्सा होती है इसलिए वो उससे मिलने से मना कर देती है। पावी, मॉम आप बताओ कि मैं क्या करूं जिससे आप मुझसे गुस्सा ना हो। रोंग, तुम्हें जो करना है करो, पर नित को डाइवोर्स नहीं दोगे। देन पावी पेन से मिलता है और बताता है मॉम ने मुझे नित को डाइवोर्स देने से मना किया है, पर मुझे लगता है अगर वो अपने ग्रैंडसन का फेस देख लेंगी तो मान जाएंगी। पेन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकती। पावी, प्रॉब्लम क्या है। पेन, मैं सबको क्या बताऊंगी कि मेरा बेबी बिना फादर का है। इसके बाद पेन वापस घर आती है। उसे डर होता है कि कहीं उसका सच पावी के सामने ना आ जाए, नहीं तो वो उससे नफरत करने लगेगा। पावी कंपनी आता है और नित के कैबिन में जाता है जहां वो सो रही होती है। पावी नित के पास जाकर उसके फेस से हेयर सटाता है। तभी नित जाग जाती है। पावी उससे साथ घर चलने को कहता है। नित, मैं मॉम से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को परस्यू करने। पावी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और वो नित के साथ हॉस्पिटल जाता है पर अंदर रूम में नहीं जाता। रूम के गुस्सा होने के डर से बाहर ही खड़ा रहता है। देन दोनों वापस घर आते हैं। पावी नित से कहता है मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स ना दूं और डीएनए टेस्ट के बाद पेन के बेबी को अडॉप्ट कर लूं। नित सोच कर कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं। पावी, मॉम डाइवोर्स के लिए नहीं मानेंगी। नित, मैं उनसे बात कर लूंगी। पावी, तुम अचानक से डाइवोर्स के लिए कैसे मान गई, पहले तो मना कर रही थी। नित, पर अब मैं मान गई ना। पावी, तुम एडिटर के क्लोज जाने के लिए मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो ना। नित बिना बहस किए सीधा हाँ कह देती है। पावी, अब तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा जिससे तुम एडिटर के क्लोज ना जा पाओ। नित, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। पावी, जो भी हो पर मॉम नहीं मानेंगी। नित, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और वो अपना ब्लैंकेट लेकर सोफा पर अकेले सोने चली जाती है, पर पावी उसे अकेले सोने नहीं देता और उठाकर बेड पर लाता है और वही सोने को कहता है। साथ में वो भी नित के साथ सोता है। लगता है पावी थोड़ा थोड़ा नित के लिए फील करने लगा है, पर अभी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट डे कंपनी में एडिटर और पैट नित के साथ लंच करने आते हैं, पर उनके बीच पावी आ जाता है, वो भी उनके साथ लंच पर चलने को कहता है। पैट कहती है नित हम फिर कभी साथ में लंच कर लेंगे, और वो एडिटर को लेकर वहाँ से चली जाती है। नित, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड्स चले गए। फिर पावी नित को लंच के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाता है, पर फूड की स्मेल आते ही नित को वॉमिट होने लगती है। नित जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है। पावी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। नित, हाँ ये सब बस फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। पावी उसे घर लेकर आता है। इधर पेन कौन से कहती है बेन का आइडिया काम ही नहीं कर रहा,
लगता है पावी नित को डाइवोर्स नहीं देगा। कौन, अगर हमारे बात करने से पावी और उसके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम पेरोट को सब बताएंगे। अब वो ही उनसे बात करेगा। वो दोनों पेरोट को बताती है कि पैन प्रेग्नेंट है। पेरोट पैन पर गुस्सा होने लगता है। कौन, तुम्हें पैन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर सारानाथ से बात करो जिससे पैन को किसी के सामने एम्बेस ना होना पड़े। पेरोट सारानाथ को मिलने बुलाता है। रोंग सारानाथ को समझाती है कि पेरोट चाहे कुछ भी कहे वो उससे साफ कह दे कि पावी नित को डाइवोर्स नहीं देगा। सारानाथ, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। देन वो पेरोट से मिलता है। पेरोट कहता है पावी से कहो कि वो नित को डाइवोर्स दे दे और पैन से शादी कर ले। सारानाथ, ऐसा नहीं हो सकता, पर हम पैन के बेबी को लीगली अडॉप्ट करने को तैयार है। पेरोट, अगर पावी ने नित को डाइवोर्स देकर पैन से शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। धमकी देकर वो चला जाता है। रोंग पावी को हॉस्पिटल में मिलती है और नित के सामने उससे कहती है, पावी तुम कुछ भी करो पर तुम नित को डाइवोर्स नहीं दे सकते। नित रोंग से बात करने की कोशिश करती है पर वो साफ कह देती है पावी नित को डाइवोर्स नहीं देगा। पावी इशारे में नित से कहता है, अब क्या करोगी, अब तो मॉम ने साफ मना कर दिया डाइवोर्स के लिए। नेक्स्ट डे नित जब कंपनी जाने के लिए निकलती है तो अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। पावी उसे गिरने से बचाता है और कहता है, आज तुम्हें कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और जिद्दी नहीं बनो। नित उसकी बात मान जाती है। पावी उसे रूम में लेकर जाता है। नित उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कंपनी जाओ। पावी कंपनी तो चला जाता है पर उसे नित की चिंता होती है। पावी की मेड पैन को बताती है कि नित बीमार होने का नाटक कर रही है जिससे पावी उसका ध्यान रखे। पैन हार मानने को तैयार नहीं होती और वो पावी की मॉम से मिलने एक बार फिर से जाती है बैन के साथ। पैन को देखते ही रूम का मूड खराब हो जाता है और वो उसकी इंसल्ट करती है। सारनाथ पैन को वहां से जाने को कहता है क्योंकि रूम का मूड खराब हो गया उसे देखकर। पैन के जाने के बाद रूम कहती है, सारनाथ तुमने देखा प्रेग्नेंट होने का कैसे नाटक कर रही थी ये पैन। सारनाथ, वो सच में प्रेग्नेंट है। रूम, नित भी प्रेग्नेंट है, मैं तभी समझ गई थी जब उसे वॉमिट हो रही थी। सारनाथ, क्या ये सब तो कितना उलझ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। रूम, कुछ भी हो पर नित की प्रेगनेंसी की बात तुम पावी को नहीं बताना क्योंकि अगर उसे तुमसे पता चला तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नित को डाइवोर्स नहीं देगा और इससे वो कभी अपना प्योर लव नित के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इधर नित जब थोड़ा बेटर होती है तो नी के यहाँ चली जाती है। पावी घर पर कॉल करता है और नित के बारे में पूछता है। मेड बताती है नित बाहर गई है और बताकर नहीं गई। पावी नी को कॉल करके नित के बारे में पूछता है। नी बताती है कि नित यहीं है। पावी, वो बीमार है तो आप उसका ध्यान रखना, वो मुझसे तो बात ही नहीं करना चाहती। नी, ठीक है। देन नी नित से कहती है कि वो पावी से बात कर ले क्योंकि उसका कॉल आया था। नित, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और वो मुझे डाइवोर्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो मुझे लव करता है, वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसकी मॉम ने मना किया है। मैं कभी नहीं भूल सकती उसने मेरी कितनी इंसल्ट की है। और इसी के साथ पार्ट 20 एंड होता है।